मंदिर को लेकर ट्रस्ट की बैठक आज दिल्ली में, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक खत्म हुई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये बैठक खत्म हुई है। तमाम बैठक के ट्रस्टी जो हैं, इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आनाइन टीवी आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। इस बैठक पर आज सबकी नज़रें थीं। के परासरन के घर में ये बैठक चल रही थी, घर पर, और उसके बाद तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बैठक के बाद की तस्वीर है। बैठक खत्म हो चुकी है। दिल्ली से तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। सबसे पहले ऑनलाइन टीवी आपको तस्वीर दिखा रहा है। राम मंदिर पर सबसे बड़ी खबर की सबसे बड़ी तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं इस वक्त। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक खत्म हुई है। ट्रस्ट के जितने मेंबर हैं जो इस बैठक में मौजूद थे, इस बैठक में चर्चा क्या हुई ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले तस्वीर को देख लीजिए। ये वही लोग हैं, ये वही ट्रस्ट के मेंबर हैं जो भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए प्लानिंग करने वाले हैं, तारीख निकालने वाले हैं कि कैसे अयोध्या में रामलला का एक भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के मेंबर, और पहली बैठक आज दिल्ली में थी। के परासरन के घर पर यह बैठक थी, और पहली तस्वीर ये निकल कर आई है इस बैठक की, जो आप देख पा रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक खत्म हुई है, और बैठक की तस्वीर आपने देखी। बैठक के बाद ट्रस्टी जितने हैं, इस बैठक में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, वो लोग ये पहली तस्वीर, इसे कहेंगे तो गलत नहीं होगा, इससे पहले कोई भी तस्वीर ऐसे एक साथ सब लोगों की नहीं थी। दिल्ली में चल रही थी ये बैठक, खत्म हुई है पहली बैठक। बैठक में ट्रस्ट के तमाम सदस्य आपने भी देखे, के परासरन के घर पर ये बैठक खत्म हुई है। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के दो प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, अवनीश अवस्थी, अनुज झा इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। बड़ी खबर ऑनलाइन टीवी पर राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर इस वक्त आप देख रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक खत्म हुई है, जो तस्वीरें हमने दिखाई इससे पहले आपको ऑनलाइन टीवी पर राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर। बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक खत्म हुई है दिल्ली में। पहली बैठक ट्रस्ट की ये खत्म हुई है। अभी कुछ देर पहले कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, तो बड़ी खबर, लगातार जब से बैठक शुरू हुई थी के परासरन के घर पर, तब से लेकर अब तक ऑनलाइन टीवी इस खबर पर नजर बनाए हुए था। अमित दुबे हमारे सहयोगी जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे, उनके बाद सीधे हम दिल्ली चल रहे हैं। अमित, बैठक खत्म हुई है, एक तस्वीर भी निकल कर आई और काफी खूबसूरत तस्वीर थी, ट्रस्ट के सभी मेंबरान की वो तस्वीर थी, क्या कुछ इस बैठक में हुआ, कोई बात निकल कर आई है क्या? देखिए, अब से कुछ देर में आधिकारिक अनाउंसमेंट होगा कि किस तरह से क्या कुछ किया गया। हालांकि सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अलग अलग लोगों को पद दिया गया, कमेटी में कोषाध्यक्ष कौन होगा, महामंत्री कौन होगा, इसे लेकर भी यहाँ पे डिस्कस हुआ है, और खासतौर पे मंदिर की पूजा पद्धति की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इन सारे कामों को लेके यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। हालांकि मंदिर की तारीख के बारे में अभी तक कुछ क्लियरेंस नहीं आ रहा है। रिसेंटली जो है अभी बैठक जो खत्म हुई है, उसमें भी अभी तक कोई भी घर से जहाँ बैठक चल रही थी, बैठक से बाहर निकल के नहीं आया है। तो जाहिर तौर पर अभी कुछ देर में चीजें क्लियर होंगी कि आखिरकार बैठक में क्या कुछ डिसाइड हुआ, लेकिन कमेटी में कौन क्या होगा, इस तरह की खबरें आ रही है कि पदों का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जी, पदों का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तारीख को लेकर बार बार सबके जहन में राम भक्त हो या फिर राम में आस्था रखने वाले और जो लोग एक भव्य और दिव्य राम मंदिर का इंतजार कर रहे हैं, क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि तारीख बता दी जाएगी, अभी लोग जब बाहर निकलेंगे, ट्रस्टी जब बाहर निकलेंगे? देखिए, अभी तारीख का अनाउंसमेंट होना मुश्किल है, लेकिन भूमि शिलान्यास की तारीख का अनाउंसमेंट जो है वो इस बैठक के बाद यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि पहली बैठक थी और खासतौर पे बंद केविन के अंदर बैठक हो रही थी, तो जो भी जिस तरह की भी खबरें हैं वो सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। आधिकारिक रूप से अभी तक किसी भी चीज की घोषणा नहीं हुई है, और कुछ ही पलों में सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही बैठक के सदस्य बाहर निकलेंगे, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार मंदिर की तारीख क्या होगी, शिलान्यास की तारीख क्या होगी, किसे कौन सा पद दिया गया है,
और खास तौर पे चाहे महंत नृत्य गोपाल दास की बात करें और चंपत राय की बात करें, दोनों जो है यहाँ पे आमंत्रित सदस्य थे, उन्हें क्या कुछ मिला है। जी चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आपके पास आता है उसे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। R9 टीवी पर राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जो दिल्ली में चल रही थी, के परासरन के घर में जो बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हुई है और बस इंतजार ये है कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हाँ, ये कहा जरूर जा रहा है कि बैठक में भूमि पूजन को लेकर चर्चा हुई होगी और भूमि पूजन की तारीख लोगों के सामने आ सकती है। और पद किसके पास क्या क्या होगा ये भी मालूम चलेगा। ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं दिल्ली से, के परासरन के घर की ये तस्वीर है। क्षेत्र के न्यासियों की बैठक तीर्थ क्षेत्र के न्यासियों की बैठक संपन्न हुई। कुल मिलाकर 9 प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए। सबसे पहले देश के तमाम संत महात्माओं, नागरिकों और उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने 1528 से लेकर और 1992 तक इस इतिहास की भूल को सुधारने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग किया। इसके पश्चात भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, इन्होंने जो सजगता दिखाई, सारा देश शांति से सबको स्वीकार किया, उनको भी आभार व्यक्त किया गया। अभी आऊंगा। भारत में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, विशेष रूप से न्यायिक व्यवस्था, उसके प्रति श्रद्धापूर्वक सम्मान व्यक्त किया गया। ये 3 बड़े महत्व के प्रस्ताव हुए। आज नृत्य गोपाल दास जी महाराज को और मुझे स्वयं चंपत राय को ट्रस्टी के रूप में नामित करने के बाद नृत्य गोपाल दास जी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष और मैं स्वयं उसका महासचिव और मेरे साथ मेरे बाई ओर खड़े हैं पूज्य स्वामी गोविंददेव गिरिजी महाराज, वो इसके कोषाध्यक्ष घोषित किए गए। इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को अपनी कानूनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, इसलिए ऑडिट के लिए दिल्ली की वी शंकर अय्यर एंड कंपनी रंजीत नगर, उसको ऑडिटर के लिए रिक्वेस्ट किया गया और अयोध्या में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक अकाउंट खोलने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ, जिसके 3 लोग हस्ताक्षरकर्ता होंगे, गोविंद देव गिरिजी महाराज, मैं स्वयं चंपत राय और अयोध्या निवासी डॉक्टर अनिल मिश्रा। एक और बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि एक भवन निर्माण समिति बनेगी जो सब प्रकार का प्रशासनिक कार्य और निर्माण कार्य पर विशेषज्ञों के साथ निर्णय करके काम को आगे बढ़ाएगी। उसके चेयरपर्सन, उसके चेयरमैन भारत सरकार के एक बहुत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, 1967 बैच के IAS अफसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी वो सचिव रहे, ऐसे नृपेंद्र मिश्रा को हमने इस कार्य के लिए चुना है कि वो निर्माण समिति के चेयरपर्सन रहेंगे। आज की बैठक में भारत सरकार की ओर से एडिशनल होम सेक्रेटरी ज्ञानेश कुमार जी, जो 1967 के IAS बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं, 1988 वो उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के और अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और जिनके पास अन्य तमाम धार्मिक काम है, श्री अवनीश अवस्थी जी जो 1987 के IAS अधिकारी हैं, मेरे पास खड़े हैं,
इसी प्रकार अयोध्या जनपद के 2009 के आईएएस अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री अनुज झा भी आज उपस्थित थे, जो संस्थापक न्यासी हैं श्री के पाराशरण जी, जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर वासुदेवान सरस्वती जी महाराज प्रयागराज, जगतगुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज पेजावर मठ उडुपी, युग पुरुष परमानंद जी महाराज हरिद्वार, निर्मोही अखाड़ा अयोध्या बैठक के महंत दिनेन्द्र दास, अयोध्या राजघराने के बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जिन्हें हम राजा अयोध्या के नाम से भी जानते हैं, और 1989 में जिन्होंने पहला शिलान्यास किया था श्री कामेश्वर चौपाल मेरे पास खड़े हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा, इस प्रकार सभी 14 ट्रस्टी आज यहां उपस्थित थे। हिंदुस्तान का आज इतिहास लिखा गया, 490 साल का ऐतिहासिक भूल का परिमार्जन आज हुआ। धन्यवाद सर। कोई तारीख तय हुई है क्या? चैन हाँ अत्यंत प्रेरणा से भरे हुए आज इस दिन जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूज्य गोलोक गुरु जी का भी आज जन्मदिन है। ऐसे मंगलमय विजया एकादशी के दिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस न्यास के द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनका अभी अभी माननीय महासचिव महोदय ने आपके सामने ब्यौरा दिया। अब इसके निर्माण की तिथि के बारे में प्रश्न से उठना निश्चित रूप से अपेक्षित ही है। हमने ये सोचा है कि माननीय नृपेंद्र मिश्र जी के अध्यक्षता में जो निर्माण समिति बनी है वह हमें रिपोर्ट देगी कि निर्माण कार्य विशेषज्ञों की दृष्टि से कब जल्दी से जल्दी आरंभ किया जा सकता है। हम लोग 15 दिनों के भीतर ही एक फिर से बैठक अयोध्या जी में ले रहे हैं और तब तक हम लोगों को यह निवेदन प्राप्त हो जाएगा कि कब हम लोगों को निर्माण कार्य का आरंभ करना चाहिए, उस समय हम निश्चित तिथि बता सकेंगे। आज हमने यह काम निर्माण समिति को सौंपा हुआ है।